वेलकम शामी भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम आपने तो मतलब क्या ही कर दिया ये है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही तोड़े जा रहे हो आप यार रिकॉर्ड्स ना Instagram में देखने के बाद पता चलता है कि हाँ ये बट हुआ लेकिन हाँ जनरली अगर देखा जाए तो कोशिश वो करता हूँ कि जो रोल दिया गया है टीम में या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपको मैं उसको पूरा करने को देखता हूँ कहाँ पे मुझे बोल डालना है कहाँ पर किस सिचुएशन में मुझे बॉल मिल रहा है डालने के लिए तो वो बहुत जरूरी होता है कि टीम के लिए क्या बेटर है कोशिश वही रहती है कि हमेशा रिपीट करें अच्छा परफॉर्म करें लेकिन नहीं होता लेकिन सिचुएशन को रीड करना बहुत जरूरी होता है उस टाइम पे और टचवुड की वर्ल्ड कप में तो ठीक ही है हाँ वर्ल्ड कप में तो आपने तीन मैच बाहर बैठने के बाद सोलह विकेट ले लिया आपने आप जब बाहर बैठे थे आपको लग रहा था कि मैं सोलह विकेट ले लूँगा जब पहला मैच मुझे लगा था कि मैं स्टार्टिंग से ही खेलूंगा बोला गया था सडनली फिर चेंज हुआ दूसरा मैच हुआ तीसरा हुँ। हुआ चौथा हुआ मैंने इट्स फाइन चार मैच तीसरे मैच के बाद मैंने इट्स फाइन ठीक है बट मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कभी कभी लगता है कि आपको प्रेशर आता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है लेकिन अगर आप टीम को देखते हैं या फिर आप टीम की परफॉर्म को देखते हैं तो फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ टीम एक अच्छे वे में जा रही है एक एक कंट्री के लिए एक अच्छी चीज क्रिएट हो रही है तो वहाँ पे बड़ी खुशी होती है लेकिन हाँ जरूरी होता है कि आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना अपनी जॉब का ध्यान रखना कि हाँ मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं टाइम से सोना टाइम से खाना ये बहुत सारी चीजें एक पैकेज बन जाता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ तो आप हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप में विकेट लेने वाले आपने एक लेजेंड को पीछे छोड़ा है कैसा है मतलब वो कैसी फीलिंग है अगर सच पूछो तो आ, नहीं पता चला उस टाइम क्योंकि मैं उतना बुक्स को देखता नहीं हूँ सब रिकॉर्ड्स और वो सब क्योंकि मैं हमेशा से अपना एफर्ट डालता हूँ कोशिश करता हूँ कि हाँ जितनी ज्यादा विकट ले सकू लेकिन जब ये पता था कि हाँ मैं उस टाइम मैच से पहले पता था कि हाँ मैं चालीस पे पहुँच गया हूँ अच्छा। इतने मैचेस हुए हैं हाँ मतलब कैलकुलेशन नहीं है दिमाग में वो रख के नहीं जाता कि मुझे ये ब्रेक भी करना है या मुझे इसी मैच में करना है ऐसा कुछ मैं टारगेट लेके चलता नहीं हूँ क्योंकि लोगों का क्या होता है सुबह उठते हैं ग्राउंड जब पहुँचते हैं तो पिच देखेंगे जाकर दबाकर आकर <laughs> मारकर मार कर देखेंगे <laughs> मैं कभी नहीं जाता विकेट की तरफ क्योंकि आपको विकेट का बिहेव पता तभी चलेगा तब आप बॉल डाल दोगे उस पर अच्छा तो आप चिल रहते हो तो वो प्रेशर लेना ही क्यों जब आपको बॉल डालने के बाद ही पता चलना है कि विकेट में कितना बाउंस है कितना स्विंग कितना कैरी क्या है तो वैसे तो बाकी तो भाई पता नहीं चलने वाला वो तो फिर तो बेस्ट वे है आप अपने आप को जितना रिलैक्स रख सकते हो आप जितना सिंपल रख सकते हो आप उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है आप परफॉर्म निकाल सकते हो तो आपका कुछ है ऐसे कि मैथ से पहले कोई रिचुअल है आपका कि आप रिलैक्स रहने के लिए चिल रहने के रहे अगर कुछ ऐसा है? हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी अच्छा <laughs> बेटर है सुबह उठो अपना अच्छे से फ्रेश व्रेश होकर अपना चाय वाय पी कर जाओ गाने सुनो अब गांव के आदमी है हैं चाय चल रही चलने दो नहीं फैंसी चीज़ों में नहीं घुसना आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड नहीं करनी जिस लाइफ से आए वो लाइफ हमेशा याद रहती है कि हाँ हम इस बैकग्राउंड से आए हैं कहाँ पे कितनी फैसिलिटी थी कुछ लोगों का समझ नहीं आता ना कि नया नया पैसा आता है नया नया फेम आता है लोग हवा में उड़ते हैं तो वो चीज़ें मुझे लगता है कहीं कही ना कहीं ना आपको नुकसान दे जाती हैं आई थिंक वही चीज़ें लोगों को भी आम जनता को पसंद आती है जो इंसान जमीन से जुड़ा होता है जितना सिंपल होता है हम्बल होता है लोग उससे रिलेट कर पाते हैं उतना ज्यादा एज अ पर्सन मतलब एज एन एथलीट या एज अ स्टार तो अलग बात है बट जो जितना जमीन से जुड़ा होता है आम आदमी जो अपने जैसा लगता है ना वही पसंद आता है आम आदमी हीरो है भाई हाँ जी तो आपने जैसे बोला कि आपका बचपन एक बहुत ही छोटे शहर में निकला है साहसपुर में सिटी नहीं है छोटे विलेज विलेज है तो आप छोटी जगह से आते हो पर आपने इतना बड़ा नाम कर लिया तो कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी मतलब आपने क्रिकेट खेलना ही शुरू कैसे किया बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड मेरा पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है तो क्रिकेट से कोई ऐसा है नहीं जो किसी स्टेज पे खेला हो hmm. पापा लोग लेकर आए थे उस कल्चर को जब ये लोग नाइन्टीज में थे नाइन्टीज hmm. से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे क्रिकेट क्योंकि कोई जानता नहीं था तो बैट बॉल पापा ये लेकर आए थे कहीं से ये लोग खेलते थे यार टाइम पास के लिए अच्छा फिर भैया को भी शौक़ था तो मैं बस देखता था अच्छा सैटरडे संडे घर आता था नानी के यहाँ से स्कूल था मेरा अच्छा तो सैटरडे संडे आता था मैंने यार क्या धूप में खेलते रहते हैं चील एक बचपन से ऐसे ही था मैं तो अपने गार्डन के यहाँ जो मैंगो गार्डन है उसके बराबर में बड़ा सा ग्राउंड था वहाँ पर खेलते थे लोग पेड़ के नीचे चेयर लगाई आराम से बैठ के देखना है सनलाइट जैसे नीचे गई हम बाहर <laughs> चलो भाई अब खेलेंगे थोड़े सा अच्छा तो वैसा था लेकिन पता नहीं चला कि हाँ शौक कब ब्लड में आ गया है हाँ मतलब कब फैमिली प... का ही था सब और घर में सारे फास्ट बॉलर थे तो हमने ही पैक के देखा मैंने हम भी फेंकते हैं लाओ अच्छा आपने पहले वैसे जैसे सब खेलते हैं ना बचपन में तो सब बैटिंग करना चाहते हैं तो आज की जनरेशन तो ऐसी है पैदा हुए जहां पैर जमीन पे रखा चाहिए चाहिए सबको भाई सही मानो तो तो डिमांड वही है लोगों की नहीं डिमांड नहीं बच्चों को वैसे भी लगता है ना कि आप, बैटिंग करो मारो दूर दूर को रियलिटी अगर है? देखेंगे तो आपको मैच बॉलर बना के देते हैं बिल्कुल आप कितने भी रन बनाओ कितने भी कुछ भी कर लो आपको बॉलर ही गेम में ला कर देगा बिल्कुल बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आप बैट्समैन के जरिए आप मैच को वन साइड ले जाओ क्या आपने रन इतने तो ज्यादा बना दिए कि आप कोई भी बॉल फेंक हाँ, कोई लेकिन कोई ऐसा बहुत रेयर होता है तो गेम में लाने वाले आपके बॉलर ही होते हैं तो बचपन से जब से आपने सोचा कि चलो खेल के देखते हैं तो बॉलिंग ही करना शुरू किया आपने स्टार्टिंग में अगर सच पूछो तो मैंने जब ड्यूक्स बॉल से खेलना शुरू किया था तो एज ए बैट्समैन शुरू किया था अच्छा बिल्कुल शुरू की बात नहीं है जब मैंने लेदर बॉल से खेलना शुरू हाँ. किया तो मैंने बैटिंग शुरू किया था अच्छा फिर धीरे-धीरे फिर नहीं उसी के हिसाब से ढलता चला गया बचपन से जब खेल रहा था ना तो शुरू में टेनिस ही खेलना शुरू किया था टेनिस मैंने दो तक खेला है अच्छा ठीक ठाक एज तक खेला है मैंने टेनिस का बॉल तो मैचेस होते थे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में होते थे लाइट्स में रात को होते थे वो अभी भी होते हैं ना जो टाउन हाँ, हाँ, एरिया में टाउन एरिया में वो काफ़ी सारे खेला हूँ मैं करीब आठ दस साल खेला हूँ तो कीपिंग करता था ऊपर फास्ट बॉलर को ऊपर कीपिंग करता था क्या बात है पर तो आपकी फैमिली का कैसे था आपका रोल जब मतलब उन्होंने आपको इनक्रेज किया कि खेलो क्रिकेट कोई दिक्कत नहीं, है। छोटे में तो पता ही नहीं था क्योंकि बस ऐसे ही था डेडे सिंडे वाला भैया भैया जाते थे खेलने भैया बहुत अच्छा खेलते थे बड़े भैया अच्छे फास्ट बॉलर अच्छे बैट्समैन वो प्रॉपर ऑलराउंडर थे लेकिन उस टाइम फैसिलिटी ऐसी थी नहीं तो फिर उनको पथरी हो गई थी तो उसमें उन्होंने छोड़ दिया फिर फिर मुझे लेकर आए बोले नहीं ये भी तेज़ फेंकता है तो मैं जाने लगा ऐसे ही जब संडे में मैच होता था विलेज में कहीं चला जाता था डिस्ट्रिक्ट में कोई टूर्नामेंट में मैच हुआ किसी का तो चला जाता था तो भैया वॉच करते थे उस चीज को तो भैया बोले बैटिंग में अच्छी करता है अब हमें इतना था नहीं बचपन में ना? क्या ही होगा बारह साल की उम्र में तो मैं चौदह साल का था शायद तब भैया मुझे ड्यूक्स का मैच खिलाने लगे अच्छा लेदर बॉल आपको बता के लेके गए थे स्कूल से लेके गए थे कि चल, चल तुझे कहीं लेके प्लेयर पूरे नहीं हो रहे थे <laughs> तो बोले सारे प्लेयर आज गायब है और मैच है इंपॉर्टेंट तू चल एक काम कर बॉल डाल देना बस बैटिंग मत करना तो पापा बोले एक ही शर्त पे भेजूंगा मैं तो इसको बैटिंग नहीं कराएगा लग जाएगी वरना इसके अच्छा बोले हाँ 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 ऐसे करके ले गए स्कूल से लास्ट शायद सेकंड लास्ट पीरियड ले गए टॉस जीत के बैटिंग करना शुरू की बोले हम बैटिंग करेंगे धीरे से मेरे पास आके बोले पैड बनो <laughs> कभी खेला नहीं कुछ नहीं <laughs> मैंने नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा मैं बॉल डालूंगा आपने प्रॉमिस किया था बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा मैं बता रहा हूँ ना तुझे तो बॉल देखना और घुमाना <laughs> लाइन लाइन छोड़ देना बॉल की बस और तो घुमाना जैसे टेनिस में घुमाता है वैसे घुमाना इतने में पापा उधर से आए मैच दे पापा को बहुत शौक था मैच देखने का पापा ने मुझे पैड पहने देखा बोले तो ओपन ही भेज रहा है इसको <laughs> पापा ने बुला के बहुत सुनाया उनको बोले कुछ नहीं होगा आप देखो ना भैया को बहुत कॉन्फिडेंस था कि ओपनिंग में ही बोले ये रन बना देगा भैया ने भेज दिया ओपन भेज दिया मुझे मैंने पहली बॉल खेली मुझे नहीं पता था इतनी जोर से जाएगी क्या बात पहली बॉल खेल मैंने बैट बैट लगाया था बस क्योंकि टेनिस बॉल को मारना पड़ता है लेकिन इसको लगाने से इतनी तेज गई मैंने यार ये तो बहुत तेज जा रही है लगने के बाद फिर थोड़ा सा दिल थाम लिया मैंने अब इसको घुमाना है पता नहीं चला जब चौंतीस या 35 बॉल में सो हो गया था नहीं आया कैसे कैसे चेंज होता गया बहुत सारे रन बनाए वहाँ पे भैया के साथ भैया हर जगह ले जाते थे फिर मुझे क्या बात है रन बनाए ऐसे ही भैया ने सपोर्ट किया फैमिली ने फिर पापा कभी मना नहीं करते थे हाँ कभी गुस्सा हो जाते थे लेट आते थे तो तो मम्मी को बोलते थे देखो इनको समझा दो जल्दी आया करें खुद नहीं बोलते थे <laughs> तो मैं बोली ठीक है आपने ही तो भेजा था तो धीरे से आके बोलती थी आज गुस्सा थे तब आपके पापा मैंने यार लेट हो गया ना और फिर आदत ऐसी लग गई कि हमें शौक बढ़ता चला गया फिर तो इंडियन पेरेंट्स को डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं नहीं बोल नहीं बोलते 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 या मम्मी पापा ही थे <laughs> वो एक्सपायर होने ले लेंगे उन्होंने हमेशा शामिल करके बात किया कभी ऐसे नहीं बोला कि हाँ जैसे होता है बच्चों में लाड प्या या कुछ स्टार्टिंग से उन्होंने तो आप कैलकटा मूव हो गए थे जब आप कैलकाटा तो बहुत बात की बात क्योंकि उसके बाद तो असली ट्विस्ट शुरू हुआ फिर जब शौक जागा था तो फिर पापा बोले यार स्टेडियम दूर है घर से विलेज में रहते थे हम लोग हाँ जी वहाँ से दो बस चेंज करनी पड़ेंगी गाड़ी देते नहीं थे पापा क्योंकि तो पता नहीं क्या चलाएगा उतने छोटे में क्या ही चलाएगा तीस किलोमीटर जाना पड़ता था तीस किलोमीटर आना पड़ता था और सिक्सटी किलोमीटर्स की जर्नी रोज़ की थी स्टेडियम पहली बार देखा तो लगा कि हाँ यार कोच से मिले विकटें देखी मैंने यार यहाँ तो बहुत बेटर है वो छोटे से मैं क्या पता यहाँ मिल रहा है चल रहा है मामला वैसा था क्योंकि स्टेडियम जाने के बाद पता चला कि हाँ लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं कैसे कैसे खेलते हैं क्या क्या होता है क्रिकेट में एक्चुअल चीज़ें जो टेक्निकली हैं वो स्टेडियम में आके पता चली उससे पहले तो कोई था ही नहीं ना कोच जो भैया ने खिलाया जो पापा ने बोला वो सुन लेते थे तो वैसे ही फिर स्टेडियम में जब आए तो कोच ने देखा बोले हाँ यार मेहनत कर सकते हैं इसके ऊपर फिर मैंने जो साथ के लड़के थे वो ट्रेनिंग करते थे फौज के लिए वो मेरी ट्रेनिंग थी क्रिकेट के लिए अच्छा तो वो ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप ही की करते थे रेत में भागते थे वहाँ पे रेत के वो बहुत थे राजस्थान जैसा तो रेत की कुछ जगहें हैं वहाँ पे मेरे गार्डन के पीछे वहाँ पे भागना लॉन्ग जंप करना हाई जंप करना कराटे कराटे भी करते थे वो लोग उसमें <laughs> अब जितना होता था उतना कर लेता था छोटा था सब साथ के थे बच्चे वही एक ट्रेनिंग थी मेरे क्रिकेट की जिम तो मैं बहुत बाद में गया हूँ रंजी ट्रॉफी के टाइम अच्छा उससे पहले मैं जिम नहीं जाता था कहीं नहीं। कुछ कुछ नहीं पता रनिंग करता था बस फिर कोच ने भेजा मुझे जब रुई यूपी का ट्रायल दिया मैंने दो साल अच्छा सब ठीक रहता था सबसे अच्छा दिखता था ये था वो था जहाँ फाइनल राउंड आता था यूपी वाले लात मार के बाहर कर देते थे चलो ना <laughs> तुम्हारा कोई काम नहीं एक साल हुआ मैंने ठीक है अगले साल ट्राई कर लेंगे अब भैया साथ रहते थे भैया वॉच करते भैया इस मामले में बहुत तेज है कि कौन क्या चल रहा है यहाँ पे एक नेक्स्ट ईयर गए सेम सोलह सौ लड़के आए थे तीन दिन में देखने थे आपको ट्रायल में रंजी ट्रॉफी की टीम बन रही है यार ये क्या ही देखेंगे सोलह सौ सो लोगों को भैया बोले मेला चल रहा है यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा <laughs> तो भैया ने बात की एक सेलेक्टर थे उनसे तो जो चीफ थे जो हेड थे उनसे भैया ने बात की तो भैया को ऐसा जवाब मिला जो भैया ने जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या था वो भैया से बोला गया अगर मेरी कुर्सी हिला सकते हो तो लड़का सेलेक्ट हो जाएगा बहुत अच्छा है वरना सॉरी तो भैया ने एक ही जवाब दिया था हिलाने की बात छोड़ो इस कुर्सी को उल्टा भी कर सकता हूँ मैं <laughs> पावर तो मेरे पास इतनी है बट मुझे वो नहीं चाहिए अगर hmm. दम है तो लेना बोले hmm. दम वालों का यहाँ कोई काम नहीं है भैया ने फॉर्म फाड़ा टेबल पर फेंक कर बोला आज के बाद यूपी नहीं देखेंगे हम दो वो दिन मेरा लास्ट था वहाँ का यूपी के लिए अच्छा फिर मैं मूव किया चौदह पंद्रह साल की एज में क्या फिर मैंने कोच से डिस्कस किया कहाँ पे लीग फिर मुझे जिद चढ़ गई मैं जिद्दी शुरू से ही था अब दो बार बेजत हो गया कितनी बार होना है मैंने से बोला मैंने यार अब खेलना है मुझे लीग कहाँ पे अच्छी होती है उस टाइम तक दो तीन साल निकल चुके थे प्रैक्टिस करते करते तीन चार साल हो गए थे बोले यार मेरा एक कॉन्टेक्ट है कैलकाटा में मगर दूर बहुत है मैंने आप दूर मत देखो आप कॉन्टेक्ट्स निकालो लो कहाँ हैं उन्होंने निकाला त्रिपुरा का उन्होंने कराया फिर त्रिपुरा गया वहाँ पे भी निकलाया देखा फिर बट एक्सपीरियंस मिल रहा था मुझे कुछ नई जगहों का फिर अगले साल तीन साल ऐसे ही ख़राब हो गए मेरे फिर कैलकाटा में एक कॉन्टैक्ट्स उन्होंने बनाया ये बंदा है आपको क्लब में ट्रायल दिलवा देगा अगर उन्हें पसंद आए तो आप खेल सकते हो तो मैं गया फर्स्ट डे अरुण लाल जी की अकेडमी थी उसमें जी अब मेरा रनअप लंबा है वहाँ पे बड़ा है रनअप तो रनअप ना आया उसमें <laughs> विकेट के बाद उतनी जगह ही नहीं है पीछे मैं उनसे बोला कोच जो थे वहाँ पर मैं जानता नहीं था बंगाली बोलना मैंने सर ये तो जगह छोटी रह गई है अब इतना बोलता नहीं था मैं सर जगह नहीं है पीछे बोला बेटा इतने में डालना होगा और सीमेंट पे ऐसा वो था सरफेस जो विकेट था वो सीमेंट वाला था मैंने यार इसमें क्या डालूंगा मैं मेरा पर लंबा तो बोले नहीं बेटा डालो डाला आठ दस बॉल डाला दो तीन बार आउट हुआ वो तो बोले ब्रेक 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 ऐसे करके चलो लंच कर लेते हैं तो वहाँ घुगनी होती है चने की छोले जो होते हैं ना हाँ। वो घूगनी बोलते हैं तो पता नहीं था टेबल पर बैठा हूँ ला के रख दिए बाउल में प्लेट रख दी ब्रेड रख दिया ऑनियन रख दिया सब चीज़ें रख दी अब मैं बैठा हूँ मैंने राइस भी आएगी दाल भी आएगी <laughs> में पाँच में दस मिनट हो गए ब्राउन वाला लड़का कह रहा है भाई खा क्यों नहीं रहे मैंने क्या खाऊँ <laughs> कुछ हो तो खाऊँ ना बोला भाई ये जो रखा है ना यही होता है खाने का मैं तो खाऊँगा किस चीज़ से भाई बोला ये जो ब्रेड रखा है इसी से खाओ जैसे हम खा रहे मैंने नहीं राइस आने दो बोला राइस नहीं आएगा <laughs> इसी से खाते हैं हम अब खाया हुआ अकेला चम्मच से खा गया मैं उसको मैंने यार ब्रेड तो खा दे नहीं चम्मच से खा गया फिर शुरू हुआ ट्रायल तो बोले हम कल बताते हैं अच्छा अब पच्चीस सौ रुपये लेके निकला था मैं घर से एक कार्ड पापा ने अपना दे दिया था कभी जरूरत हो तो इसमें से निकाल लेना पापा ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ों में तो कार्ड का तो कार्ड चलाना भी नहीं आता था एक्चुअल में क्या हुँ। पिन होता पिन बताया था वो भी भूल गया था <laughs> तो पाँच सात सौ रुपये का रूम था वो वहाँ पे पहले मैंने दो तीन लड़कों से पूछा मैंने कितने का रूम मिलता है बोले कितने का भी ले लो अब मैंने खरीदना नहीं है भाई रुकने के लिए पूछ रहा हूँ तो एक वसीम करके एक लड़का था वहाँ पे उससे पूछा मैंने उसने बताया बोले ऐसे ऐसे मैं करवा देता हूँ वो आज आप जेल चले गए दूसरे दिन भी उन्होंने टाल दिया ट्रायल करके मैंने सर अब तो एक ही हज़ार रुपये बचे हैं मेरे पास आप बता दो मुझे तो जो जिस क्लब का ट्रायल हो रहा था उसका कैप्टन आया मेरे पास बोला नाइन्टी नाइन परसेंट हाँ है बट एक परसेंट जो क्लब के मैनेजर है जो है CEO, वो है सीईओ वो देखना चाहते हैं ठीक है मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है भाई उन्होंने आइडिया दे दिया मैंने भाई कहाँ रुकना है बोले यार आज का जुगाड़ कर लो कल हम कर देंगे मैंने भाई मुझे टिकट भी करानी है जाने की क्योंकि मुझे पता नहीं था कितने दिन रुकना है कितने नहीं बोले तो ठीक है हो जाएगा हो जाएगा तो थर्ड डे वो बोले हम पे नहीं करेंगे अच्छा आप लीग खेल सकते हो हमारे हाँ? पे क्लब नहीं करेंगे आ, पे नहीं करेंगे मैंने ठीक है मुझे खेलना है पर ऐसा क्यों प्रोफेशनली वो लोग हर आदमी अपने बजट को मतलब कट अच्छा। डाउन मतलब करता है कि आगे अच्छा। इतना कट डाउन हो जाए इसमें से अब बाहर से आया बंदा खेलने के लिए तो पता नहीं क्या थिंकिंग थी उनकी तो बोले बट पे नहीं करेंगे रहने का और खाने का हम कर देंगे ठीक है मैं चलेगा मैंने मम्मी को पापा को बोले ऐसे कैसे मैंने भाई मुझे चलेगा अभी मुझे यहाँ खेलना है पहले बोले देख लो ये वो तो तीन दिन उनका जो रेंटल घर मिलने वाला था वो नहीं मिला उनको अच्छा तीन चार दिन पहले उन्होंने ऐसे ही किया तो कैफे था उनका जो क्लब था वहाँ पर क्लब बने हुए हैं जैसे मोहन बगान है ईस्ट बंगाल है सबके अपने अपने ग्राउंड के साथ क्लब हाउस बने हुए हैं तो वहीं पे पार्टी चलती थी रात दस बजे तक तो वहीं पे सोया चार दिन बिंदास मैंने खेल कर ही जाऊंगा जिद पूरी है खिलाया नौ मैच में पैंतालीस विकेट ली पहले साल क्या बात है चार दिन के बाद उन्होंने सेटल कर दिया था बट चार पाँच दिन के बाद बट खिलाया उन्होंने प्रॉमिस किया था पैंतालीस विकेट ली सीज़न ख़त्म हुआ तो एक मैनेजर थे बीस साल से करीब उनके क्लब में ही थे मैनेजर उन्होंने आके पच्चीस हज़ार रुपये दिए हैं ले लो बेटा मैंने किस बात के जब मुझसे मुझे थोड़ी ना पे के लिए बोला था बोले नहीं नहीं उन्होंने जो सी ओ उन्होंने बोला है आपको कुछ ना कुछ दें और उन्होंने टिकट भी करा कर दिया है ये रखो आप मैंने लिया मैं आराम से रास्ते पर नींद ही नहीं आई फिर <laughs> ट्रेन में बैठा था बैठा बैठा चौबीस घंटे लगे नींद ही नहीं, नहीं आई वो जाके मैंने मम्मी को दी पापा ने मम्मी से लेके फिर मुझे दे दिए <laughs> बोले आप अपने जो भी आपका सामान लगे आप रखो मैंने नहीं नहीं पहली तनख्वाह आप रखो hmm. तो वो तो मेरी पहली सैलरी थी पंद्रह सोलह साल के थे तब आप सोलह साल हाँ। ऐसे ही होगा हाँ। सोलह के आसपास तो घर वालों ने वो पैसे भी वापस दे दिए फिर अपना बैट लेकर आया बॉल जूते लेकर आया ऐसे करते करते हर साल विकटें बढ़ती चली गई पे बढ़ता चला गया स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया आ फिर आपने अपना किया। और चार उस दिन था उस दिन क्लब का मैच था जिस दिन अनाउंस हुआ है तो हम लोग क्लब का मैच खेल रहे थे देखा अचानक से मीडिया वाले आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं कोई पता नहीं अच्छा डेज मैच होता है तीन दिन हाँ। का तो ग्राउंड पे रात को पहुंचते हैं सो जाते हैं जाते ही हाँ। उस टाइम नोकिया का छोटा सा फोन <laughs> वही होते बाला? थे ना हाँ। बटन वाले जिसमें गेम होती थी छोटे बच्चे वाली। स्क्रीन तो होती नहीं थी और सांप वाला गेम होता था इधर 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 जा रहा धीरे तो पता ही नहीं था आए मीडिया वाले इकट्ठे हो रहे मैच चल रहा है मैं बॉल डाल रहा हूँ मैच चल रहा है यार आज इतनी भीड़ क्यों है तो एक दोस्त ने बताया बोले तेरे लिए आए सिलेक्शन हो गया भाई मैंने कौन सा तो इतना कारनामा कर दिया बोले नहीं तेरे लिए सिलेक्शन हुआ तो सबने क्लब में वो उसके बाद तो एक्चुअल में रंजी ट्रॉफी के बाद मुड़ के नहीं देखा

<laughs> नहीं नहीं हो जाएगा जैसे होता चल, जाए। चल रहे हो फिर वर्ल्ड कप खेला आपने 2015 का मैंने सुना है आप इंजर्ड थे तब हम थे साढ़े चार महीने ऑस्ट्रेलिया में टाइम शायद जहाँ तक मुझे याद है टेस्ट सीरीज वनडे टी सारी सीरीज खेले थे वहाँ पे तो पहले ही टेस्ट मैच में, में मेरी नी में स्वेलिंग आ गई थी अच्छा फर्स्ट टेस्ट मैच एडलेट में खेल रहे थे हम लोग लेकिन फिर उसके बाद स्वेलिंग बढ़ती गई तो सेकंड मैच में मिस किया था शायद नहीं खेला था इसके चक्कर में नी के चक्कर में बट जब तक वर्ल्ड कप आया तब तक नी की बैंड बच चुकी थी अच्छा नी उस कंडीशन में नहीं थी कि सच पूछो तो कोई और होता तो ना ही कर देता क्योंकि मैं उतना पेन झेल सकता हूँ मैं उतना बर्दाश्त करता हूँ पेन को तो डॉक्टर ने माही भाई ने इन्होंने बैठ कर एक ही सवाल किया था दो कंडीशन है या तो जाकर ऑपरेशन करा लो या वर्ल्ड कप खेल के ऑपरेशन करा लो आपने कभी सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ मैंने इन दोनों में डिफरेंस किया है बोले अभी स्वेलिंग है रेस्ट करके भी हो सकता है बाई चांस बट एटी परसेंट ऑपरेशन होना है आपका ये कंडीशन में है मैं दूसरी वाली में बोले अगर तुम वर्ल्ड कप खेलते हो पेन तो लेवल से बाहर होगा बट आप वर्ल्ड कप खेल सकते हो और दूसरी चीज़ अभी टीम को ज़रूरत है मैंने मुझे एक ही चीज़ कंफर्म करके दो ये बीच में नहीं छोड़े अगर टूट भी जाए तो बीच में नहीं छोड़नी चाहिए मुझे मैच खत्म हो जाए बोले नहीं बीच में नहीं छोड़ेगी ये गारंटी तो हमारी है मैं दर्द की गारंटी मेरी है आप कितना भी हो जाए फिर एवरी मैच मैच खेलता था टीम होटल जाती थी मैं हॉस्पिटल जाता था पेन किलर्स नहीं injection, injection डाल यहाँ से कर, सब करते थे इधर डाल के सब करते थे फिर स्टोरेट डालते थे, थे तो पचास एम के आसपास फ्लूड निकलता था हर बार पाँच दिन का गेम था गैप था हर गेम के बाद तीन दिन कुछ नहीं चौथे दिन ग्राउंड जाना और पाँचवें दिन मैच खेलना बस यही था और इतनी इंजरी इतने दर्द और इतने पता नहीं नहीं चला उस वर्ल्ड कप में कि मैं क्या पेन झेल रहा हूँ या क्या सिचुएशन है किसी को नहीं पता चला लेकिन सेमीफाइनल मैच में पाँच ओवर डालने के बाद मुझे टांग का फील होना लग लै, रिली लैग का फील होना बंद हो गया था फील ही होना बंद हो गया था नमनेस सी बढ़ गई थी सब जगह पूरा टांग पता पैर कब गिर रहा है पता नहीं चल रहा था फिर मैं बोला बोले बाहर दिखा लो एक मिनट बाहर गया उस टाइम पाँच ओवर चौदह रन समथिंग एक विकेट था ऐसे उसके बाद नहीं हो रहा था फिर बाहर चला गया इंजेक्शन लिया फिर पाँच ओवर डालने आया उसके बाद फिर तो हम मैच भी हार गए थे उतना अफसोस टांग का नहीं था जितना मैच हारने का हो गया क्योंकि ये लास्ट मैच था हमारा फिर फाइनल था हम्म वो मैच हम हार गए फिर तो बहुत आंसू निकले निकले यार इतना मेहनत करके यहाँ पर रह गए पर ये इंटेंट ये विल पार इतनी डेडिकेशन मतलब लोगों को पता ही नहीं चल रहा जो करोड़ों लोग देख रहे हैं कि कोई इतना इंजर्ड है एंड स्टिल यू परफॉर्म सो वेल मतलब आप ये तो वो बात हो गई कि कहते हैं ना वो घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है आपने तो वही वाली बात कर दी एकदम तो। नहीं एक्चुअली जब आप कंट्री के लिए खेलते हो ना तो मतलब मुझे नहीं लगता हमारे सोल्जर्स हैं वो भी सेम रिपीट करते हैं वो अपनी जान लेकर खड़े हैं वहाँ पर हम भी जब कंट्री के लिए जब हम परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं हम सारी दुनिया भूल जाते हैं हमें कोई फेस नजर नहीं आता और गेम पर फोकस इतना ही होता है बस लाइफ में यही डेडिकेशन है यही लेकिन जब यहाँ बैच लगा होता है ना कि इंडियन टीम का लोगो लगा है यहाँ टोपी में लगा है अलग फीलिंग होती है उस बम आ जाते हैं जब आप मैच खेलने उतरते हैं इंपॉर्टेंट मैच जब होता है तो ऐसा होता है क्यों नहीं जा रहे हैं अंदर क्यों नहीं जा रहे मैच से पहले जब टॉस हो जाता है जब हमारी बॉलिंग की बारी बैटिंग की बारी होती है तो ऐसा होता है कि अब हमें जाना चाहिए अंदर हम जा क्यों नहीं रहे टाइम नहीं जा रहा है बार बार ऐसे करते हैं बॉडी ठंडी हो जाएगी फिर तो वो क्रेज ही अलग है अंदर वो ऐसा नहीं होता कि हम बना सकते हैं वो वो एक नेचुरल आता है बिल्कुल आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तभी तो सब लोग क्रिकेट के इतने फैंस हैं हमारे कंट्री में एक नेशनल पूरा वो रहता है बट इतना इंजरी के बाद भी खेलना और ऐसे खेलना बहुत ही डिफिकल्ट है और आपने तो हमेशा डिफिकल्ट मतलब <laughs> जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो वही डरा दिया मेरे को अब पहले तो ऑपरेशन कभी कभी हुआ ही नहीं था कुछ ऐसा मैं गया तो वो स्ट्रक्चर लेके आए पूरा पूरा बैड वैड साधा बोले लेट जाओ इस इसमें मैंने क्या होगा <laughs> बोले लेके चल रहे हैं अरे मैंने यार रूम तक तो मैं खुद चला ले लूँगा ना बोले नहीं नहीं लेट जाओ मैं नहीं, नहीं नहीं रूम तक मैं वॉक करके जाऊँगा जैसे ही ऑपरेशन थिएटर वाला वो जब गेट आया डोर आई तो बोले अब लेट जाओ लेट लिया अब मैंने देखा ऐसी लाइटें वाइटें थी सब मैंने यार मूवीज़ में देखा है मैंने ये रियल में देखने तो क्या क्या है <laughs> मैंने देखा बहुत मतलब उनके जो हथियार थे बहुत पतले पतले बोले आप लेट जाओ जल्दी लेट हो जाएगा फिर मैंने ठीक है लेट गया मैं ऐसे ही तो उसने यहाँ पे इंजेक्शन जब लगाया तो बहुत ठंडा ठंडा फील हुआ यहाँ पे तो डॉक्टर कह रहा अब आपको ना थर्टी सेकेंड में नींद आ जाएगी और आप दो घंटे बाद उठोगे तो मैं उसको बोलने वाला था मरते मरते एक मिनट ले जाऊंगा मैं मैंने मैं एक मिनट ले जाऊंगा इतने मरते मरते बोला था मैं गायब मिनट तो बोल ही नहीं पाया फिर बाद में उसको डॉक्टर को बोला मैंने यार मैंने पूरी लाइन नहीं बोली थी तो बोला पूरी लाइन का मरते मरते बोले तुम कोई नशा नहीं किया कुछ नहीं किया तो एकदम गायब दो घंटे फिर जब ऑपरेशन हो के अपना हो गया डॉक्टर देखना है कैसे हो मैंने ठीक मैं ये बताओ कितने दिन में मैं खेल पाऊँगा बोला हाँ हाँ कब खेल पाऊँगा मैं बोले आप खेलने की सोचो मैं ये सोच रहा हूँ आप बिना लंगड़ाएं आप चल लो तो बहुत बड़ी बात है मतलब बोले बिना लिंपिंग के आप चल लोगे वही बड़ी बात है आपके लिए खेलना तो छोड़ दो आप भूल जाओ डिपेंड आपके रिहाब पर करता है आप कैसा रिहाब करते हो अगर आपने सही किया तो आपके लिए अच्छा है वरना आप बिना लंगड़ाए चल लो तो वही बहुत बड़ी बात है तो मैं तो डर ही गया मैंने यार जिस आदमी ने ऑपरेशन किया है वही आदमी ऐसे बोल रहा है मेरे को तो अंदर से डर ही जाऊंगा मैं मैंने यार और भैया से बोला कुछ गलत था क्या <laughs> कह रहे नहीं 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 चार एम एम का पीस निकला है बस एक मैं निकाल दिया बोले हाँ वो निकाल दिया बाहर <laughs> तो फिर रिहा किया छः महीने आठ महीने ऐसे टाइम कट रहा था बहुत डिफिकल्ट टाइम था सिक्सटी डेज बेड रेस्ट था बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई हैं पर आपकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स भी रहे हैं आपने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी काफ़ी ओपनली बात की है विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि उसको देख के लोगों को लगता है कि इट्स नॉर्मल टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ तो जब आप मेंटल हेल्थ के उस दौर से गुजर रहे थे जब आपको थोड़े इश्यूज थे आपकी लाइफ का डिफ़िकल्ट टाइम था तो आपके अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पर नहीं शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मेरी फैमिली में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कोई झमेले हुए ही नहीं लाइफ में कभी किसी के बहुत सिंपल फैमिली है एकदम नॉर्मल डिफिकल्ट टाइम था बहुत स्ट्रेस भी था लेकिन एक ही चीज़ है ना कि अगर आप झूठे हो तो आप भागोगे आपको पता है फिर अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया तो आप आगे ही नहीं मिलाओगे नहीं ठीक है आओ मैदान में भाई जो सच मिल जाएगा आपको मैं चलो कहाँ बुलाना है मुझे कहाँ आना है सारी चीज़ें की चार छः दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मैं बहुत ही ज़्यादा वाला लेकिन उसके बाद फिर भैया लोग मम्मी लोग सब लोग साथ रहते थे तो थोड़ा थोड़ा सो फिर मैंने दिमाग में मेरे आया मैंने यार दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए लाइफ में अपन डाउन आते हैं सामने वाले को नहीं समझा सकते चीज़ें जब सीधी करनी जाओ तो उल्टी हो जाती हैं कभी कभी तो मैंने यार लाइफ में मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि लोग खून करके भाग गए या फिर ऐसा कुछ हो गया या किसी को मार डाला ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है भाई किसी के साथ मुझ पर तो इल्ज़ाम लगाए हैं वो भी झूठे तो मैं क्यों रुकूं अपने आप में उसके दौरान फिर एक्सीडेंट हुआ तो और टेंशन में मैंने ये कैसे हो गया अब क्योंकि जेड सिक्योरिटी के साथ था मैं उस टाइम और मेरी दो गाड़ियाँ आगे की और दो गाड़ियाँ पीछे की पुलिस की वो छोड़कर मेरी गाड़ी हिट हुई थी फिर दिमाग में टेंशन आ गई थी मेरे के यार ये कैसे पॉसिबल है अगर सामने से कोई गाड़ी मार रही तो पहले दो सामने वाली भी तो मारनी चाहिए किसी की भी है गाड़ी फिर वो हाँ जी। अगर कोई अटैक करेगा तो फिर सामने वाला भी मारना चाहिए फिर दिमाग में फिर से डाउट आए फिर मैं देहरादून चला गया प्रैक्टिस करता रहा ऐसी बहुत टफ टाइम था बट हाँ भागा नहीं कभी बिल्कुल नहीं पर फिर भी मतलब कोप करना पड़ता है और जैसे फैमिली सपोर्ट था आपके पास बिल्कुल बट फैमिली टेक ने बहुत साथ दिया भाई। भी आप कह सकते हैं कि मुझे अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता कोई भी जंग कोई भी लड़ाई कोई भी चीज मुश्किल हो सकती है बिल्कुल बेशक आप ट्रू होने चाहिए पर फिर भी आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए इंडिविजुअली भी कुछ मैंने हमेशा वही सोचा था क्योंकि आ, जो इतना नाम चल रहा है जो जितनी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं इन लोगों ने मुझे बनाया है और मैं उसी चीज़ को छोड़ बैठा हूँ तो दिमाग में यही सोचता था मैंने यार ही नहीं इसी चीज़ ने तो मुझे बनाया था इसको छोड़ तो बेकार है फिर सारी ज़िंदगी ख़त्म है इसको फिर से स्टार्ट करो आप लोग तो कहते हैं कुछ भी कहते रहेंगे तो मैं थोड़ी ना घर में बैठा रहूँगा आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर आप थोड़े से भी सक्सेस हो रहे हैं तो आपको खींचने वाले ज़्यादा होंगे सपोर्ट देने वाले बहुत कम होंगे तो साथ चलने वाले लोगों की एकदम लिमिटेड है चीज़ हाँ खींचने वाले तो अनलिमिटेड हैं उनका तो इनकमिंग कॉल है आम खींच लेंगे इसको भाई आने दो आने दो तो वो लोग वो ग्रुप ज़्यादा बड़े हैं जो जलने वाले ग्रुप हैं मुझे नहीं लगता किसी के जलने से कोई फ़र्क पड़ता है आपको या किसी के बोलने से कोई फ़र्क पड़ता है अगर आप मेहनत करते हैं आप लॉयल्टी से अपना वर्क करते हैं तो मुझे लगता है उसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे दुनिया कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं हमेशा उसी फ्रेम में रहता हूँ आज भी लोग बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कुछ लोग जलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग जब आप कुछ नहीं होते तो कैसे सलाम करते हैं और जब आप कुछ होते हो तो कैसा सलाम करते हैं वो चीज़ें दिखाई हैं लाइफ ने कि लोगों को ये पसंद है कि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे साथ यहाँ वाला मिलना चाहिए या फिर जो ऊपर बैठा है ना उसको भी खींच के यहाँ लाना चाहिए <laughs> ये नहीं करेंगे हम यहाँ से हार्ड वर्क करके ऊपर चढ़ जाए उसको नीचे आना चाहिए तो लोगों की थिंकिंग वो है आप अपना दिमाग उसी वे में लगाते रहो मैं अपना काम पे लगाए हुए हूँ मैं हमेशा जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा <laughs> दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे अच्छा बोलोगे तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिलेगी आप खराब बोलोगे तो फर्क ही नहीं पड़ता पता है दुनिया ऐसी है <laughs> बिल्कुल आप जैसे हो वैसे ही रहो वही पसंद है सबको वही बेस्ट है उसके अलावा लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं अपने लोग साथ होने चाहिए जितने भी हैं वही आपकी फैमिली आपके दोस्त दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं या आप उनको अंडरस्टैंड करते हो वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में पार्ट क्योंकि कुछ लोग साथ में रहकर भी आपके नहीं होते हैं बिल्कुल तो उन लोगों से थोड़ा दूरी बनाओ उनसे थोड़ा सा आप अपने साथ वालों को समझने की कोशिश करो बेसिकली ये है आपके कौन से दोस्त हैं ऐसे एक दो कोई भी मेरी यार फैमिली ज़्यादा एक्चुअल में मेरी जो अब दोस्त समझ लो फैमिली समझ लो पार्टनर समझ लो कुछ भी समझ लो वो फैमिली और बच्चे ही हैं मेरे और जो मेरे पुराने दोस्त हैं मैं हमेशा उनसे मिलता हूँ जो विलेज वाले लोग हैं इवन जो पापा के जानने वाले लोग थे मैं आज भी उनसे मिलता हूँ विलेज जाकर तो मुझे अच्छा लगता है कि चार छः दिन मिलें फैमिली को साथ लेकर कहीं हिल्स पे चला जाऊँ सी साइड चला जाऊँ हमेशा फैमिली में टाइम स्पेंड करता हूँ ऐसे ही मुझे वो सब अकेले मुझे घूमना उमना ज़्यादा पसंद नहीं

जो मेरा स्किल है जो मेरी एबिलिटी है मैं उसको एग्जीक्यूट करने को देखता हूँ हमेशा सब्र का फल मेहनत का फल या कुछ भी कह लो लग कह लो आप कुछ भी बोल सकते हो आप ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह सकते हैं बट एक फ्रेम में रहना फोकस रहना और हार्डवर्क करना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना बोलने में बहुत आसान है ये चीज़ बिल्कुल लेकिन जब हम उस चीज को करने जाते हैं क्योंकि कितने लोग वर्ल्ड कप खेल रहे हैं सब करने की कोशिश वही कर रहे हैं और वो मैंने एक दिन पहले डील डाला उसमें भी है कि लोग खुद बोल रहे हैं जो खुद प्लेयर जो प्लेयर हैं कैसे कैसे गायब हो जाती है सामने से <laughs> बाकी <laughs> लोग भी तो खेल रहे हैं बाकी लोग भी तो बॉल डाल रहे हैं इनका बॉल कैसे स्विंग हो जाता है भाई मेहनत है लगन है हार्डवर्क है एग्जीक्यूश एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहाँ पे, जो प्रॉपर वे है अगर आप अच्छी जगह पे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे कोर्स ये तो अब इसका मतलब तो ये नहीं है बॉलर रहे तो तुम पीछे फेंकने शुरू हो जाओ तुम बाहर फेंकने शुरू हो जाओ तो कहाँ से रिजल्ट मिलेंगे एक आध दो मिला मिला लेकिन मेन तो वो है कि आप टारगेट पर सही हो नहीं हो अब जब आप टारगेट ही ठीक नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट की तो उम्मीद होनी नहीं, नहीं चाहिए तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ लोग गलत फेंक रहे हैं बट जो मैंने टारगेट किया है जो मैं दिमाग से सोच रहा हूँ वो हो रहा है और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं मैं तो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा मैं तो दुआ करता हूँ और दस लोग आए ऐसे परफॉर्म करके मुझे तो कभी जलन होती नहीं अगर आप दूसरे को सक्सेस की एंजॉय को एंजॉय करना सीख लोगे ना तो मुझे लगता है और मच बेटर प्लेयर बनोगे आप मैं कुछ नहीं करता बस जो है ऊपर वाला देने वाला है तो मेरे कोई बताओ ये जो स्टोरी है आपकी इसकी स्टोरी तो बता दो थोड़ी सी सबको कॉन्टेक्स्ट दे दो सबको थोड़ा सा नहीं एक्चुअल में क्या है बहुत कई दिन से सुने जा रहा था जब से वर्ल्ड कप चल रहा है मैंने मैं तो खेल नहीं रहा था जब मैं खेला तो पाँच विकेट लिए नेक्स्ट मैच में चार विकेट लिए फिर से पाँच विकेट लिए और कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स को हजम नहीं हो रही बात अब मैं क्या करूँ क्योंकि उनके दिमाग में ये है हम बेस्ट हैं बेस्ट वो होता है जो टाइम पे परफॉर्म करे मैं उसी को मानता हूं जो हार्ड वर्क करे जो परफॉर्म करे जो टीम के लिए खड़ा है अब आप उसमें कंट्रोवर्सी बनाए चले जा रहे हो सुनाए चले जा रहे हो तुम्हें बॉल कुछ और कलर की मिल रही है तुम्हें बॉल कुछ और कंपनी की मिल रही है आईसीसी ने तुम्हें अलग से दे दिया। अरे भाई सुधर जाओ यार और उनकी वही चीज वसीम भाई ने भी एक इंटरव्यू में जो उनका चलता है उसमें समझाई है क्लियरली कि कैसे बॉल आती है बॉक्स में कैसे चूज़ करते हैं कौन सी टीम पे पहले जाते हैं उसके बाद भी अच्छा तब भी समझ में आता है अगर आप प्लेयर ना हो अगर आप एक प्लेयर नहीं हो आप एक उस लेवल में नहीं खेले हो तो भी समझ में आती है बात आप एक्स प्लेयर हो आप ये सब बातें करोगे तो

मुझे लगता है आपको एक बार सबको सिखाई देना चाहिए बॉल पेड़ पीछे या आपकी टेक्निक क्या है जरा मुझे या ये कैसे आप बहुत मेरे को सिखा दो चलो बहुत उनको सिखाओ। ये <laughs> बहुत ही। यार मैं तो नॉर्मल लोगों की तरह पकड़ता हूँ फेंकता हूँ काम तो वहां से करना है जहा पे एरिया है जहां से आउट करना है अब सबकी एबिलिटी अलग होती है कुछ लोगों को पीछे फेंकना पसंद है कुछ लोगों को आगे अच्छे कंफर्टेबल होते हैं कुछ और कर में स्पेशलिस्ट होते हैं ठीक है हम मिक्सी सही है हैं <laughs> मन के हिसाब से हाँ बट ये है कि लोग एक्सपर्ट लोग भी बात करते हैं कि सीम पे जाती है हुँ. और नहीं तब बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग बात करते हैं ना कि सीम पे जाती है कैसे डिलीवर हो रही है लेकिन उसके दो मिनट के बाद ही गुस्सा आ जाता है फिर जब वो बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट है तो तो जो जो खुशी चढ़ी होती है हो, वो फटाक से नीचे आ जाती है मैंने आप इसको रिप्लाई दो मैं वही चीज़ एक इंटरव्यू में भी बोला था अच्छा माना गॉड गौ, गिफ्ट होता है गॉड का गिफ्ट तो आप भी हो उसी गॉड ने बनाया है आपको नंगे ही आप आए थे नंगे ही हम आए हैं दिमाग आपको दिया है दिमाग हमें भी दिया है चार हाथ पैर हैं चार हाथ पैर आपके भी हैं अरे सब चीज़ तो सेम है तो आपने क्यों नहीं किया करना चाहिए था आप भी अपनी सीम को ले आ जाते तो भाई छड़ गए <laughs> बोला ऐसे कैसे बोल दिया मैंने भाई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ ये आपने उस पर वर्क नहीं किया तो आपके हाथ में नहीं आई मैंने उस पर हार्ड वर्क किया तो मेरे हाथ में है और मुझे लगता है अगर कोई हार्ड वर्क करेगा इसके ऊपर तो ज़रूर आएगी चीज़ ऐसा तो नहीं है नहीं आएगी मेरी ही बात लिखी हुई आई है तो करने से आई है ना तो लोग करना नहीं चाहते लेकिन चाहते हैं कि हमारे हाथ में आ जाए इतना ईजी नहीं है चीज़ गॉड गिफ्ट तो मैं हर चीज़ को बोल सकता हूँ हाँ दूसरों की सक्सेस या क्रेडिबिलिटी को गॉड गिफ्ट बोल के तो बहुत इजी है जस्टिफाई तो जलन करना। वाली बात हो तो जलन आपने बोल दिया कि हाँ गॉड गिफ्ट हो गया तो मैं ऐसे तो आपकी जुबान को भी बोल सकता हूँ आपको बोलने में गॉड गिफ्ट है बोले जाओ जाओ <laughs> बड़ा आपने एक बार मेलबर्न में वन किलोमीटर पर आर की स्पीड से बॉल फेंक इतनी स्पीड मतलब एज भी सही थी ना उसमें देखो एज पे तो मैं नहीं कुछ बोलूंगी किसी की मतलब सबसे तेज डिलीवरी थी वो आज तक किसी इंडियन पेसर ने डाली होगी बट यार मेरी कोशिश वही रहती है कि जब आप अच्छे रिदम में रहते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है पेस लाइन लेंथ विकेट निकालना हो या लंबा स्पेल डालना हो सारी चीजें मुमकिन है बट एक ही चीज़ है मेन चीज़ आपका रिदम रहना बहुत ज़रूरी है आप अगर रिदम में हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कब 140 से 145 हो गई और 145 से 150 हो गई नहीं पता चलेगा आपको रिदम पे बॉल चलेगी फिर फिर हाथ से जब रिदम में होते हो ना बॉल ऐसे निकलता है जैसे पीनट बटर हो गया पता ही नहीं चलता तो वो सारा गेम कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेंथ आपका रिदम ये सब चीज़ों का जब पैकेज बनता है तब उस चीज़ से वो चीज़ आती है वो फुल पैकेज जब बनता है तभी वो चीज़ें क्रिएट चीज़ हो सकती हैं और 2015 के वर्ल्ड कप में तो मैं फुल मूड में था पता था मुझे के अंदर से पेन है बट मैं इस पार उस पार वाला डाल याद, रहा था याद है आपको वो बॉल अरे वो पर्थ में भी डाला था बाप अरे वाप, रे वाप। पर्थ में भी शायद गई थी वन समथिंग हाईएस्ट मेलबर्न वाली गई थी बट मुझे ज़्यादा मज़ा पर्थ वाले में आया था क्योंकि एक सेट करके आउट करने में जो मजा आता है ना वो तो मैं डाल दिया वहाँ एक सौ पचास डाल दिया एक सौ तिरपन डाल दिया पता भी नहीं चला किसी ने नोटिस भी नहीं किया पूरे लेकिन जब मैंने वो स्पेल पर्थ में डाला वो सबको पता चला बोले हाँ और भाई भी भाग कर आए थे स्लिप से बोले दिख नहीं रही है गाली मत देना बाद में छूट गई तो मैंने कैच पकड़ लेना अगर जाए तो बोले नहीं नहीं बोलना मत कुछ छूट गई तो दिख नहीं रही है सच बता रहा हूँ मैं मैं तो यार मेरा काम डालने का आप पकड़ो बस अगर आती तो, है तो क्रिस गेल आउट हुआ था वो भाई उस ओवर में वो सबसे जो मैं पसंद करता हूँ तेज़ वाला स्विंग के साथ मुझे वो ज्यादा पसंद आया था 153 मेलबर्न इज ओके का हां डाली लेकिन वो भी 150 के ऊपर था पूरा ओवर अच्छा बट मजा आया था उस वर्ल्ड कप में याद है आपको मतलब अब तक पूरा याद तो रहेगा इतने डिफिकल्ट पहला वर्ल्ड कप था स्टार्टिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था चार विकेट ली थी कॉन्फिडेंस पूरा था तो इमेजिन करो यार 20000 की कैपेसिटी की एक टाउन एरिया है और वहाँ पे सवा लाख लोग पहुँच जाए वो भूल ही नहीं सकता आदमी रोड पे सो रहे थे लोग स्ट्रीट में मैसे एक दिन पहले जो रात थी जैसे कल मैच और आज है। की जो रात होगी एक लाख लोग थे सिटी के अंदर क्योंकि सुबह से तो हंगामा शुरू था, ढोल बज रहे हैं रेस्टोरेंट में दो दो सौ मीटर तीन तीन सौ मीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं

उनके लिए तो होगा ही हमारे यहाँ तो एक एक मोहल्ले में एक एक छोटे छोटे गांव में इतने लोग होते हैं और अपने यहाँ ढोल बजते हैं ड्रम बजते हैं कोई कंप्लेन नहीं होती वहाँ पुलिस वाले भी बेचारे छुपा छुपा के थक गए भाई अब रुक जाओ अब लेट हो गया है <laughs> कोई नहीं सुन रहा था <laughs> कहते आज करने दो बाकी हम वापस जाए रात को निकला था डिनर में दोस्तों के साथ तो मैंने देखा मैंने बाप रे बाप अच्छा निकले थे आपको घूमना पसंद है जब आप किसी सिटी जाते हो आ, थोड़ा सा मूडी और फूडी वाला इस सीन है नॉनवेज ज़्यादा पसंद है तो सर्च करता हूँ जगहों पे कहाँ अच्छा मिलेगा दोस्त होते हैं तभी निकलता हूँ वरना नहीं जाता फूडी आपने बोला फूडी हो आप आपके एक फूड के किस्से तो बहुत फेमस है वो है बिरयानी मैंने सुना है आज आपने यहाँ की भी बिरयानी मंगाई यार बिरयानी मेरा कहने का मतलब ये है लोगों ने बिरयानी के नाम से फेमस कर दिया है मैं मानता हूँ जब मैं के आर में था खाता था मैं यार सलान की बिरयानी कौन छोड़ेगा यार तो पास में था आई टी सी रुकते थे अरसलान वाला जो बंदा था वो दोस्त था तो कोई इशू था ही नहीं वो बिना पूछे भेज देता था अब बिरयानी आ गई तो आदमी टेस्ट तो कर ही लेता है टेस्ट अब टेस्ट क्या होता था <laughs> चार पांच लड़कों का ग्रुप हमारा डोमेस्टिक वालों का <laughs> जैसे ही खाना आता था हमने ग्रुप बना लिया था जहाँ उसने खाना भेजा मैंने ग्रुप में डाल दिया और वो सब मेरे रूम पे आते थे फूड खाते थे और बाहर रख देते थे मेरे सारी बदनामी मेरे सर पे मैंने यार क्या है ये रोज बिरयानी खाता कह तेरे तेरी बिरयानी रखी थी <laughs>

सिस्टम का नहीं पता था फिर वही विलेज से आए थे हम जिम के उतना टेक्निकली हमें नॉलेज नहीं था जब इंजर्ड हुए चीजें सीखने को मिली अच्छे कल्चर्स में जाने को मिला तब चीज़ें आदमी लर्न करता है अब आप हो गए फिटनेस को अपने प्रायरिटी बना लिया है तो अभी भी बिरयानी का बिरयानी जैसे एक बंदे की चीज़ होती है रात भी खाए ना <laughs> रात टीम डिनर था उन्होंने नली नहीं आ रही तो टेस्ट करने में क्या जाता है बिल्कुल नहीं जी न इसी का नाम है अच्छा हम स्टार्ट हुए हम सुशी से पसंद है आपको सुशी हाँ सुशी से स्टार्ट हुए अब जैसे जैसे ऐसे काउंटर पे घूमते थे ना लास्ट में देखना लेनी रही बिरयानी उधर रखी है <laughs> दो तीन की प्लेट में भी देगा मैंने यार जालिम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग जो बंदा लेकर आया था शेफ़ जो बनाता है वो पर्सनली खुद आया सर आपके लिए बिरयानी बना अब शेफ को कैसे मना कर नहीं सकते नहीं अब कुछ देर तो मैंने दिमाग को ठंडा रखा मैंने नहीं खानी है यार छोड़ना नली निहारी खाएंगे ये वो अब मैं जब खाने के लिए बैठा तो बोले मैं बना के लाता हूँ मैंने हाँ तुम तो बना के लाओ मैं रोटी से खाता हूँ प्लान यह था कि आज तंदूरी रोटी खाएंगे एक रोटी पूरी नहीं खाई थी उसने बिरयानी साइड में रख दी बैठे अब तो टेस्ट होगा ये खाई बिरयानी नॉन वेज वेज से कोई मतलब ऐसा नहीं है अगर हाँ 2015 से अब अगर कोई मुझसे कहता है उससे पहले अगर मुझसे कहता है ना वेज खाना है तो मैं घर में भी खाना नहीं खाता था घर <laughs> वालों ने बोला ना कि आज दाल खिचड़ी या दाल चावल या कोई वेजिटेबल वैसा बना है मैंने अपना खुद देख ला मैं जा रहा हूँ होटल पर खा लूँगा मैं रेस्टोरेंट काफ़ी सारे थे हाईवे पर मैं मैं खा लूँगा तो टेंशन ना लो और ना घर मम्मी को फोन करता था क्या बना है मम्मी ना तो कुछ सब्जी बता दे मैंने मैं खा के आऊँगा टेंशन ना टिंडे बने टिंडे अरे बहुत बहुत, बहुत। मैं नॉन वेज का तो हार्ड कोर वाला हूँ अभी 2015 के बाद थोड़ा नहीं नॉन वेज है पर फिटनेस पर लिमिट लेकिन जो <laughs> ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स और जो डिनर था उसको सबको कट डाउन करके सीधा डिनर है अब एक चाय चाहिए, चाहिए सुबह को उसके साथ थोड़ा सा कुछ या तो बिस्किट मिल जाए कुछ कोई भी चीज कॉम्बिनेशन के लिए मिल जाए बस डिनर डिनर पड़ेगा अच्छा खाता हूँ क्या अच्छा करते हो आप क्या है आपका इस जो आपने टूर्नामेंट में तबाही मचाई है इससे पहले आपको कोई पर्टिकुलर फिटनेस रिजीम था नहीं फ़िटनेस अपना फ़िटनेस तो मैंने फार्म पे बना रखा है पूरा ग्राउंड पूल जिम दो पार्क बनाए रनिंग के लिए सारा सेटअप कर रहा है खेत के लिए खेत में रनिंग करने के लिए पेस्ट में रनिंग करने के लिए सारे प्लेसेस बनाई हैं मैंने जो बहुत हेल्प किया है जो मुझे नहीं लगता कोई कर, करता है ऐसा कोई ओल्ड स्कूल वाला सीन तो उससे बहुत हेल्प हुआ है क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब हम यहाँ से टीम से बाहर जाते हैं जब वैकेशन में जाते हैं जब सीरीज़ ख़त्म होती है जब हम घर पे वापस जाते हैं तो लोगों क्या था? है को क्या होता है स्विच ऑफ हो जाता है उस टाइम कि फैमिली को टाइम देना थोड़ा दोस्तों में रहना गेम से थोड़ा आउट हो जाते हैं मेरा उल्टा है मैं जब जाता हूँ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं चलो प्रैक्टिस करेंगे जितने भी साथ वाले हैं कोच खुद आ जाते हैं बोले आओ उधर ही प्रैक्टिस करेंगे तो अब ना करने में भी प्रैक्टिस दो चार घंटे तो हो ही जाएगी जब सब लोग कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा तो बैटिंग तो पक्की हो ही जाएगी मैंने कल ऑफ़ है अरे आप मत करना आप खड़े रहना हम करेंगे कोई ऑफ नहीं है जब तक आप यहाँ हो क्योंकि उनको पता है वैसी विकटें नहीं मिलने वाली प्रैक्टिस के लिए कहीं तो वो इम्पोर्टेंट है उन लोगों को तो लड़के लोग जो रंजी ट्रॉफ़ी खेले हैं जो ट्वेंटी थ्री खेले हैं एटीन नाइन सेवनटीन नाइनटीन जो खेले होते हैं वो सब लड़के आते हैं वहाँ पे जो करंट में प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं जो इंडिया खेल रहे हैं बीच बीच में आते रहते हैं सब मैंने वेलकम है भाई एनी टाइम कोई मना नहीं तो फ्री टाइम में क्या करते हो आप कोई हॉबी आपकी है पे क्या है घर पे कहीं पे भी मतलब जनरली हॉबी क्या है आपकी यार मुझे घूमना पसंद है फिशिंग पसंद है ओह ड्राइविंग बहुत पसंद है कार बाइक क्या कार दोनों पहले तो बाइक का बहुत शौक था इंडिया खेलने के बाद तो छोड़ दिया हाथ पैर टूट गया तो बस <laughs> तो वो डर के चक्कर में बाइक घर पर खड़ी है अच्छा तो चलाता नहीं उतना बुलेट जाता हूँ मम्मी के पास मिलने के लिए तो मैं चला लेता हूँ उतना नहीं चलाता हूँ ज़्यादा नहीं हाईवे पे नहीं निकलता हूँ कुछ भी या सी हो जाए तो कोई फोन नहीं है तो गाड़ी फोर व्हीलर होनी चाहिए तीन टको वाला भी नहीं होना चाहिए कुछ करा है है अपने कभी ट्रैवल में बहुत किया ऑटो नहीं होता है वो <laughs> पता है मेरे को स्कूटर वाले हैंडल का होता है <laughs> उसमें भी किया है और एक जो नॉर्मल स्टेरिंग वाला होता है उसमें भी किया है तो जमीन से आया हूँ मैं सारी चीजें <laughs> अरे उसमें मजा बड़ा आता है <laughs> जो खेतों की बुग्गी होती है ना वो भी उसमें भी किया है ट्रैक्टर भी चलाया है कार भी चलाई है बस भी चलाई है ट्रक भी चलाया सारे चला लिए मैंने बस ट्रक कब चला लिया आपने विलेज में तो बहुत है <laughs> बस चला दिया आपने <laughs> ये कैसे टैलेंट है यार अरे मैं जब सीख रहा था, था ना तो मेरे जो साथ वाले थे ना स्कूल के <laughs> तो उसके घर पर ट्रक था तो उसको शौक था तो चला लेता था तो मैदान में खड़ा होता था एक बड़ा सा मैदान था तो पहले दिन तो जो पर बैठा था इतना बड़ा दिखता था तो ऊँचे पे मैंने भाई मेरे से नहीं चलेगा ये बोला मैं हूँ ना तुझे स्टार्ट कर अब उसने एक लाइन बनाई थी जब उस तो बोला इस लाइन में चलना है ये टायर बने हुए हैं मैं ठीक है पहले दिन मैंने ट्रक चलाया वो तो वो सांप की तरह चल रहा था वो लाइन में नहीं आया मेरे से क्योंकि वो पावर स्टेयरिंग नहीं होते थे वो, वो नॉर्मल होते थे इधर मार देता था ज़्यादा थोड़ा इधर चला जाता था जब इधर मारता तो इधर चला जाता था पहले दिन ट्रक चला <laughs> ये अच्छा था मैदान द खुला हुआ नहीं तो कुछ नहीं हुआ मैंने भाई नहीं चलाएंगे तो फिर चला कर देखा सही लगा बाद में जब आज तक मैं कोई भी चीज साइकिल से ले और जितनी भी चीजें ड्राइव की आज तक नहीं सीखा अपने आप ये ने हुआ ना फिर गॉड गिफ्ट डाट एक बार डांट पड़ी थी पापा से ट्रैक्टर चलाया था तालाब में घुसा दिया था मैंने पहले दिन छोटा सा था क्या स्टार्ट किया पापा खाना खाने गए थे मैंने लाओ मैं जरा अपना साइंटिस्ट बाहर निकालता हूँ ट्रैक्टर स्टार्ट किया चलाना शुरू किया वो पैर नहीं पहुँच रहे थे ना छोटा था ऐसे तो तो, ढलान सा था पानी की तरफ वो उधर वो जाने लगा बहुत रोक रहा हूँ पैर नहीं पहुँच रहे फिर सीट से उतर के ब्रेक मारे तो वो किनार में जाके आधा पानी में आधा भाग बंद हो गया वहीं छोड़ के भाग गया मैं मैंने यहाँ ही छोड़ दो फिर डांट पड़ी घर पे आ गया

और यहाँ की बात इधर ट्रांसफर होती थी फिर तो खाना खाते हुए बात होती थी ये आज बहुत गुस्से में थे ऐसा बात हुआ, <laughs> हुआ। कल इन्होंने ये बोला था तुमने वो किया था ऐसे बातें करती थी वो <laughs> एक ही घर में रह के <laughs> इंडियन पेरेंट्स नहीं बोलते डायरेक्टली उनको ये बोलो कि <laughs> बड़े भैया काम छोड़ते वो खेलना पसंद करते थे तो वो काम छोड़कर चले जाते थे पापा क्या था पापा चेयरमैन थे तो पापा को लोगों को देखना होता था तो जो घर में काम कर रहे हैं खेती में गार्डन में तो पापा बोल देते थे, थे वहाँ राउंड मार के आ जाना लड़के लोग काम कर रहे हैं उधर देख लेना भैया उस टाइम तो हाँ कर देते थे अब जैसे ही याद आती थी कि हाँ मतलब मैच है मैच खेलना है काम गया साइड में तेल लेने चलो छोड़ के भाग जाते रात को आ जाते वहाँ गया था अरे वो तो भूल ही गया तो फिर डांट पड़ती थी तो ऐसे बहुत होता था

फोर्टी सेवन कल ही देखा मैंने वो फोर्टी सेवन विकेट हुए हैं वर्ल्ड कप के हाँ फोर्टी हाँ, सेवन उसमें एक एल भी है बाकी सारे बॉल और कैच है तो किस आपको कैच में तो इतना नहीं तो विश्वास नहीं होता ना वो पकड़ेगा छोड़ेगा एक तो बॉल मेरी एज खाने के बाद ऐसे ऊपर नीचे चलती है बल होती है तो उसमें कीपर की कंप्लेन रहती है क्या आपकी बॉल ऐसे ऐसे होती है हमारे पीछे मैंने भाई मेरी जॉब ना उस विकेट से इस विकेट तक की है इसके पीछे क्या होता है मुझे नहीं मतलब है वो तुम्हारा जॉब है तुम देखो बोले नहीं जमी भाई बहुत परेशान करती है आपकी बहुत कई बार तो ऐसा हुआ बिना लगे बैट से ऐसे दूर से बीट हुआ है और ऐसे चली गई इधर कीपर की याद हाँ नहीं आई कीपर कह रहा पकड़ लो कहाँ से जाएगी यार तो बोल नहीं जाती आपने दूसरी टीम वालों को तो कर ही रखा है अपने ज़्यादा कंफ्यूज़ है ज़्यादा कंफ्यूज है उधर से वो बोल रहे हैं बॉल नहीं दिख रही स्लिप में इधर पर बोल रहा है कि इधर जा रही है इधर जा रही है मैं जब बॉल डालता हूँ तो सबसे ज़्यादा अलर्ट होते हैं वो लोग क्योंकि पता है बोले अगर एज लगा तो या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी उनको वो लाइन करनी होती है तो ज़्यादातर चाँस क्योंकि ये बॉल सीम चलती है ना सीधी अगर बॉल ऐसे हो गई विकेट के बाद तो नीचे या ऊपर और ये सीधी रह गई तो या तो इधर जाएगी इधर जाएगी

है मजा तो है इस बार आपका ट्रायल छाया हुआ है पूरा इंडिया का सिराज जसप्रीत बुमराह एंड शामी तीनों ने तहलका मचाया हुआ है पर लेकिन जितने भी टीम के अंदर बॉलर है सबका स्किल अलग अलग है सबके एक्शन अलग है सबका काम करने का तरीका अलग है सबका टाइमिंग अलग है किसकी जॉब किस, किस टाइम बट प्लान कर सकते हैं किसको कैसे डालना है वो बट वाट एवर आपका क्या है एक्शन में बॉल में टाइमिंग में बट पर्टिकुलर एक बैट्समैन के लिए एक प्लान करते हैं कि इस आदमी को ऐसे आउट कर सकते हैं तो अब जो भी आता है तीनों में से चार वही प्लान पर फॉलो करेंगे वही प्लान को एग्जीक्यूट करने को देखेंगे और वहीं पे सक्सेस मिलती है क्योंकि जब पता है एक आदमी की वीकनेस कहां पर है और वहां पे बार बार करे जाओगे तो तो वो तो ही वहां पे तो कोशिश वही करते हैं सिंपल, है। नहीं, नहीं, सिंपल नहीं है मैं तो सोच ही रही हूँ <laughs> याद कर रही हूँ जो ऐसा इतना कुछ इतनी जल्दी सोच लेते हो आप जाते 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 नहीं एक दिन पहले से मीटिंग्स होती हैं सारा रिकॉर्ड दिखाया जाता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं किस बॉल को अच्छा खेलता है किस पे आउट होता है सब दिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग रात को हम दिमाग में प्लान सेट करते हैं सुबह को बात करते हैं फिर ग्राउंड जाते हैं आपने बॉलिंग के आप एक्सपर्ट हो और वैसे देखा हमने जैसे पहले भी बात करी कि सबको क्रिकेट में बच्चों को तो सब जो गली क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे क्या बड़े भी सबको बैटिंग करनी है पर आप लोग इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो बॉलिंग से ही इतना सब कुछ हो रहा है तो आपको लग रहा है कि इस एरा की वजह से और गुड स्पेल्स आर बॉलिंग लोगों में परसेप्शन चेंज हो रहा है बॉलिंग को ले लाइक पीपल वुड वॉन्ट तो टू बॉल मोर रादर देन कि वो गली में भी सिर्फ बैटिंग ही करते जाएँ हो रहा है लेकिन आप चाहे आईपीएल के चलते बोलो या फिर शॉर्ट फॉर्मेट के चलते बोलो लोगों को ज़्यादातर बैटिंग पसंद है बैटिंग में ज़्यादा लोगों को फेम मिलता है लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही हैं ऐसा कुछ लग रहा है लोगों को बट भाई उसी टीम को बॉलर तो चाहिए अगर सात बैट्समैन है छः बैट्समैन हैं तो पाँच बॉलर भी तो हैं वो भी तो सोचना चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल तो अब सवाल यहाँ पे यही आता है कि आप जब छोटे हो आपके अंदर टैलेंट में आपके टैलेंट में क्या अच्छा है वो आपको देखना पड़ेगा एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं एज ए बॉलर हूँ आज मैं बॉल को चूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए परफेक्ट है अगर यही चीज़ मैं बैटिंग के लिए फ़ोर्स करने लगूँ तो मुझे दिक्कतें ज़्यादा आएंगी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्ट होती हैं उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए उसको थोड़ा सा वर्क चाहिए थोड़ा सा उसके पीछे लगना पड़ेगा कि हाँ ये बैट्समैन है इसमें एबिलिटी है ये शॉट खेल सकता है इसके अंदर पावर है तो इसको बैट्समैन की तरफ थोड़ा सा पुश करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉलर आए थे बैट्समैन बन गए हैं कुछ ऐसे हैं जो बैट्समैन थे लेकिन बॉलिंग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली तो वो बॉलर में अच्छा कर गए मैं जब गया था मैं बैट्समैन ही था शुरू में जब मैं खेलना शुरू किया था रणजी ट्रॉफी पहुँचते पहुँचते दोनों चीज़ें थी ऑलराउंडर इंडिया पहुँचते पहुँचते एक ही चीज़ पहुँची <laughs> थी तो चीज़ें वो सिचुएशन के हिसाब से या फिर आप कह लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होती हैं आपको आपको अपनी पसंद पता चलती है आपका स्किल पता चलता है कि कौन सा हमारे अंदर ज़्यादा है आपको उस पर वर्क करना चाहिए बट चेंज हो रहा है आई थिंक अब सब हर डायरेक्शन में, अभी अभी में भी हो रहा है ऐसा नहीं है कि आँख मीच कर ही लोग बैट पकड़ा दें बॉल पकड़ा दें ऐसा नहीं है लेकिन चॉइस की बात होती है मैं फिर वही बोलूँगा कि सबका अपना अपना एक चॉइस होता है कि हमें कहाँ जाना है क्या करना है और उस पर ज़्यादा वर्क करोगे मेरे हिसाब से जब बच्चे होते हैं तो आपको अपनी चीज़ नहीं थोपनी चाहिए अपने ज़्यादा बच्चे पे लोड नहीं देना चाहिए ताकि उसको भी ऐसा ना लगे कि यार मुझे फालतू में इस डायरेक्शन में नकेल रहे हैं तो मैं तो वही हमेशा घर में भी वही प्रेफ़र करता हूँ कि बच्चे में क्या चीज़ अच्छी है कि आपके बच्चे में किस चीज़ का टैलेंट सबसे ज़्यादा है उस वे में उसको पुश करना चाहिए अच्छी बात है आपने बहुत ही रिसेंटली पूमा फैमिली ज्वाइन की है इनके साथ आप काम करने लगे हो पर क्यों आपको लगता है नया है मेरा बहुत पुराना रिलेशन है प्यूमा से प्यूमा से कब से आज जब मैं इंडिया भी नहीं खेला था तब से तब तब से हुँ। कैसे व्हाट टाइम हो गया प्यूमा को हो गया मुझे लग रहा सत्रह 18 साल मेरे साथ बट उस टाइम पे प्यूमा ने स्पॉन्सरशिप की थी कि मेनन भाई थे वहाँ पे हम शायद फर्स्ट टाइम 2007 8 के आसपास मिले थे उस टाइम कैरियर जस्ट एक पैलेस टाइप रखा था मैंने तब यू मैं एक रेड कलर का आता था, था रेड और वाइट कलर का वो बहुत फेमस था उस टाइम में वो शूज अच्छा मैंने दो पेयर लिए थे और पाँच साल चले थे वो जूते <laughs> रणजी ट्रॉफी भी खेला उन जूतों से लेकिन वो जूता फटा नहीं घिस गया लेकिन फटा <laughs> नहीं वो जूता तो मैं वो चीज़ अभी भी याद करता हूँ कभी प्यूमा का जैसे बीच में जिक्र आता था कि ऐसे जूते आते हैं वैसे जूते आते हैं तो कभी जिक्र होता है कि बेस्ट कौन सा था प्यूमा का मेरे मुँह से हमेशा वही निकलता है अभी तो नहीं होगा आपके पास सब तो इधर उधर हो गया होगा वो वो जूता तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की हालांकि प्यूमा से भी बोला है मैंने मैंने भाई वो जूता मुझे एक कलेक्शन के लिए मुझे चाहिए वो जूता सर प्लीज़ अगर है तो वो मुझे दें तो उस टाइम से प्यूमा था फिर बीच में दो तीन साल गैप हो गया था उसके बाद प्यूमा जब मैंने इंडिया डेब्यू किया तब मेरे पास था फिर सात आठ साल गैप हुआ अब फिर से प्यूमा फैमिली है तो पुराना रिश्ता है नया नहीं है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है उस टाइम से तभी दोबारा जुड़े हो आप मुझे अभी आप बैटिंग की बात कर रहे थे कि आप बैट्समैन थे आपका बैटिंग में भी रिकॉर्ड है आपको पता है ये बात पता तो होगी वैसे कितने चक्के मारे आपने कितने कौन है? सा रिकॉर्ड मेरे रिकॉर्ड रिकॉर्ड तू बताया कर स्पेसिफिकली कौन सा रिकॉर्ड एक्चुअल में एक्चुअल में रिकॉर्ड <laughs> के मामले में बहुत कच्चा हूँ बहुत बहुत वीक हूँ इस मामले में मुझे याद नहीं रहते ऐसे मतलब बैटिंग का अगर रिकॉर्ड अगर मुझसे पूछोगे तो इंडियन टीम के साथ दो एक्सपीरियंस डोमेस्टिक के साथ एक दो एक्सपीरियंस है बाकी मुझे बचपन वाले सब पता है

सच्ची में उस दिन तो ऐसा लगता है इंटरनेशनल में भी ऐसा हो सकता है मैंने ये आउट नहीं कर पाएंगे मुझे उस दिन तो अगर डिक्लेयर ना करनी हो शाम तक खेल ना हो पाए तो मैं आउट नहीं होता मुझे ऐसा लग रहा था ये आउट कर ही नहीं पाएंगे इतनी बड़ी बॉल दिख रही थी <laughs> एक तो आप इतनी बड़ी बॉल दिख रही है हाँ... एक लोगों को बॉल बॉलिंग दिख रही है आपकी अरे पता नहीं क्या समझ में गेम क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा बट हाँ सीरियसली मैंने दो पचास की है और दोनों इंग्लैंड में जो लोग सोचते हैं कि सबसे डिफिकल्ट जगह है हाँ, बैटिंग हाँ, के लिए बिल्कुल और भाई लॉर्ड्स वन ऑफ द बेस्ट मैच बचाया बैटिंग से मैच जिताया बॉलिंग से और फिर लॉर्ड्स में मजा आ गया उसमें फील्डिंग फील्डिंग ठीक है कहीं भी करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है आपकी स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा कुछ नहीं रखता मैं कहीं भी खड़ा कर <laughs> क्योंकि एक जगह के अगर सेट हो गए ना तो फिर लोगों के दिमाग में ये यहाँ कर ही नहीं सकता वो खुद के दिमाग में भी आ जाती नहीं बॉल बहुत तेज आएगी कहीं भी जहां भी भी कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं फील्डिंग का जो लेवल है अभी इंडियन टीम का बहुत मच बेटर हुआ है कंपेयर टू पहली वाली जो अगर टीमें देखते हैं आप तो बहुत डिफरेंस है फील्डिंग में तो आज तो हवा में उड़ जाए पकड़ पट से पकड़ लेते हैं बोले चाहे बॉलर हो बैट्समैन हो ऑलराउंडर कोई भी हो बहुत सॉलिड फील्डिंग साइड है बहुत ज्यादा फील्डिंग तो वैसे टोटली आई थिंक मतलब अच्छी आ, करते हैं फील्डिंग तो एक प्रैक्टिस का ही वो है पूरा आई थिंक एज ए फास्ट बॉलर हम लोगों को थोड़ा सेफ रहना पड़ता है इंजरी ना हो जाए हां डाइविंग में कहीं चोट ना लग जाए फिर टीम सफर करेगी तो उसलिए हमेशा थोड़ा सेफ जोन में जाना जाना रहता है तो सेफ जोन बेस्ट है वो उस टाइम पे ड्यूरिंग द मैचेस ऐसे लगता है कि जब बड़ी सीरीज आती हैं थोड़ा सेफ चलना शुरू हो जाते हैं कि कोई अनवांटेड चीज ना हो जाए

अगर साथ में ग्रुप में बैठे हैं तो हाँ आपको पता ही है कि ये पीमा का कैंपेन चल रहा है लेट देयर बी स्पोर्ट तो उसमें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे पेरेंट्स को कि उनको क्यों इनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को स्पोर्ट में आ, बेसिकली क्या होता है ना कि पहले उतनी फैसिलिटी नहीं थी तो लोग आ, वो माइंडसेट रखते थे कि हाँ कुछ काम होना चाहिए कुछ अर्निंग का कोई सिस्टम होना चाहिए बच्चों को खेल में ज़्यादा नहीं लगना चाहिए या बहुत सारी चीज़ें थी फैमिली प्रॉब्लम्स थी कुछ लोगों की लेकिन आज की डेट में हमें करना चाहिए क्योंकि हमारे इतने सारे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं इतना सारा स्पोर्ट्स का कल्चर बन चुका है आप देख रहे हो कितने गोल्ड मेडल आ गए हैं हमारी इंडियन टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है क्या कल्चर बना दिया है स्पोर्ट्स का तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे में एबिलिटी है तो बच्चे को भी सपोर्ट करना चाहिए फैमिलीज़ को भी सपोर्ट उस चीज़ की रहनी चाहिए कि कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कौन से स्पोर्ट्स में जाना पसंद करता है ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा या फिर कोई बड़ी पोस्ट पर बैठेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो आप स्पोर्ट्स से भी आप कहाँ ले जा सकते हो अपने बच्चे को अपनी फैमिली का कल्चर कितना आप बना सकते हो स्पोर्ट्स में आपके आने वाली जनरेशन कितनी डिपेंड करती है उस पर तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको जज करना पड़ेगा आप अपने बच्चे को देखना पड़ेगा रीड करना पड़ेगा तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा सारी फैमिलीज़ को कि अपने बच्चे में टैलेंट ढूंढिए किस किस डिपार्टमेंट में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है किस तरफ वो ज़्यादा जान जाना चाहता है कौन से खेल को ज़्यादा पसंद करता है कुछ लोग होते हैं कि पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं तो मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा अपने बच्चे की एबिलिटी को चेक करिए अपने बच्चे का इंटरेस्ट को चेक करिए आप उसको सपोर्ट कीजिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन आप पकड़ कर चलें तो आपके पास सेकंड ऑप्शन हमेशा होना चाहिए और जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है आज स्पोर्ट्स यहाँ से यहाँ गया है तो आप हमेशा बच्चों को इंक्रेज करते रहिए और सपोर्ट कीजिए उनको जिनके अंदर टैलेंट है क्योंकि वो देश की आगे जाकर सेवा करेंगे हमेशा देश के काम आएंगे और हमारा जो फैमिली है जो हमारा जो 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 कल्चर है ही नहीं हमारे स्पोर्ट्स का वहाँ पे कल्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत बहुत बड़ा पार्ट है एक फैमिली के आप उस कल्चर को बिल्ड कर सकते हैं और अपने बच्चे की जो लाइफ है वो सेट करने में मदद कर सकते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के साथ भी स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिए और अपने बच्चे को अच्छे दिल से अच्छी अच्छी अप्रोच के साथ आप उसको बढ़ावा दें तो मैं यही चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें स्पोर्ट्स को ये तो आपने सही बोला कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना ही चाहिए अपने बच्चों को आपकी फ़ैमिली ने आपको इतना सपोर्ट किया तभी आप इतनी छोटी जगह से आके कोई ऑब्स्टेकल आपके रस्ते में नहीं आया कोई रुकावटें आपने नहीं देखी कि मैं कहाँ रह रहा हूँ क्या मेरे को हो रहा है यू जस्ट प्लेड विद द गुड इंटेंट आप बढ़ते गए तो आप यंगस्टर्स को एक मैसेज दे दीजिए जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं प्रोफेशनली जो कोई भी स्पोर्ट खेलना चाहते हैं प्रोफेशनली कि कोई भी रुकावट इतनी बड़ी नहीं होती अगर मतलब मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता बट आपके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए आपके अंदर हार्ड वर्क करने वाला इंसान होना चाहिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता क्योंकि जिस जगह से मैं आया हूँ क्योंकि उस जगह पे ज़ीरो है कहीं पर एक उम्मीद होती है कि पाँच परसेंट है दस परसेंट है वहाँ पे ज़ीरो था तब मैं स्टार्ट किया था तो जब मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि आप तो इजीली कर सकते हैं आप जब एक अच्छी जगह आज की डेट में तो बहुत लाइफ बहुत सिक्योर है आपकी फैसिलिटीज़ बहुत हाई हैं आपके कोचिंग uh, सेंटर बहुत ज़्यादा हैं मतलब टेक्निकली आप अभी कंपेयर टू द वो जो टाइम अगर आप देखते हैं तो मच बेटर है तो आप एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके अंदर का टैलेंट है तो उसको वेस्ट ना करें अपने टैलेंट को पहचानें वर्क करें उस पर गाइडेंस लें आपको जहाँ से आपको बेटर लगता है मेहनत करते रहिए आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने सक्सेसफुल होंगे बट बेशक एक ही चीज़ होनी चाहिए आप प्योर होने चाहिए आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए बस यही है मेहनत करते रहिए रिज़ल्ट आपको मिलते रहेंगे सो ऑन दिस नोट वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मैं बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि आप बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ें ताकि हमें बड़े मज़े आए वो सब देखने में थैंक यू बस यही कोशिश है कि जो टीम का मोमेंटम है वो वैसे ही बना रहे वैसे ही परफॉर्म करते रहे सारे लड़के और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों का प्यार वैसा ही बना रहे वैसे ही सपोर्ट बनी रहे और हम आपको ऐसे ही चेयर करते रहें गुड लक थैंक यू Thank we'll you.